जब भी चुनाव आते हैं तो ईवीएम को मुद्दा बना लिया जाता है। अगर भाजपा बेईमानी करेगी जो आपके सामने करी है, हमसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हो मैडम, अभी क्या हुआ चंडीगढ़ में, 8 वोट कैंसिल कर दी, देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या, भ्रष्टाचार में भी चरम सीमा पे है, अपराध में भी चरम सीमा पे है, बेरोजगारी में भी चरम सीमा पे है। मनोहर लाल खट्टर जी हैं, 2 बार करनाल से उनको विधायक बनाया और उनके फेलियर की वजह से मोदी जी ने उनको हटा दिया। सर आपकी पार्टी इतनी अच्छी है तो आपके कांग्रेस के नेता भाजपा में क्यों शामिल हो रहे हैं? नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। हरियाणा की राजनीति में काफी उथल पुथल चली हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं और नया मुख्यमंत्री नायब सैनिकों बना दिया गया है। तो ऐसे में जो है हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो करनाल लोकसभा से सांसद का चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे साथ आज कांग्रेस नेता है, उनसे बातचीत करेंगे। सुरेश गुप्ता जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी सर, आज किस लिए पहुंचे आप करनाल? देखिए, करनाल के अंदर चुनाव जो है, मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी हैं, 2 बार करनाल से उनको विधायक बनाया और उनके फेलियर की वजह से मोदी जी ने उनको हटा दिया। तो आज इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है यहाँ पे कि अगर बाई इलेक्शन होता है तो उसकी भी हमारी तैयारी है और लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी की पूरे हरियाणा में तैयारी है। सर आप तैयारियों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का तो संगठन ही बन के तैयार नहीं हुआ अभी तक। संगठन हमारा कुछ बना है, कुछ और बनने लग रहा है। एससी डिपार्टमेंट का बना है, बैकवर्ड का बन गया, तो सब बनने लगा। सर कांग्रेस के अंदर आपस में गुटबाजी देखने को मिलती है, कोई सैलजा ग्रुप से जुड़ा है तो कोई हुड्डा ग्रुप से, तो ऐसे में चुनाव कैसे लड़ेंगे 2024? सारे मिलके चुनाव लड़ेंगे और सब साथ में, चुनाव लड़ने में कोई पीछे नहीं हट रहा। सर देखा जाता है जब जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई, भारत जोड़ो न्याय जैसी यात्रा चलाई, तो पार्टी के जो नेता है वो छोड़ते हुए नजर आए पार्टी को। ऐसा नहीं है, ये भाजपा का दुष्प्रचार है कि वो कुछ लोगों को पहले बात करती रहती है, ईडी का प्रेशर देती है, इनकम टैक्स का प्रेशर देती है, सीबीआई का प्रेशर देती है, इसलिए ये वो घटना करके सोचते हैं कि भी राहुल गांधी जी जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, भाजपा उससे घबराएगी। सर 2024 को किस नजर से देखते हैं हरियाणा? 2024 हरियाणा का बेहतरीन रहेगा, विधानसभा में भी हम जीतेंगे, लोकसभा में भी अच्छी सीटें जीतेंगे। सर हिमाचल के अंदर अभी जो है लोकसभा चुनाव हुए हैं, वहाँ पे तो आपकी सरकार थी, वहीं पर भाजपा ने आपको पछाड़ दिया। लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ, राज्यसभा का हुआ है, पछाड़ा नहीं है हमारे को, कुछ साथियों को खरीद फरोख्त का काम बीजेपी करती रहती है, वो ये उनकी छोटी छोटी शरारतें हैं, कोई बात नहीं। सर भाजपा ने इतने काम किए, कई योजनाएं चलाई है और अभी हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी महिलाओं को लखपति बनाने का संकल्प लिया है हरियाणा सरकार ने। अभी तो हरियाणा में कोई लखपति बना नहीं है, यहाँ तो बेरोजगार तो हुए हैं, महंगाई बेशुमार है, यहाँ हरियाणा के हालात भ्रष्टाचार में भी चरम सीमा पे है, अपराध में भी चरम सीमा पे है, बेरोजगारी में भी चरम सीमा। सर आपकी पार्टी इतनी अच्छी है तो आपके कांग्रेस के नेता भाजपा में क्यों शामिल हो रहे हैं? नहीं नहीं, हमारी पार्टी तो अच्छी है ही, ये तो भाजपा में जो लोग जा रहे हैं, भाजपा वाले तो काम ही करते। अब ये चौधरी वीरेंद्र सिंह भाजपा से तो आए हैं, अब उनका बेटा सांसद है मौजूदा, अभी कांग्रेस ज्वाइन करी है, तो ये तो अदला बदली है, कोई उधर से आ रहा है कोई जा रहा है। सर लेकिन जनता तो भाजपा को पसंद कर रही है, इतने काम किया है भाजपा ने, कई योजनाएं चलाई है, उज्ज्वला योजना चलाई है। आपका विचार है, उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया और अब उनका बेरोजगारी में वो कंप्लीट फेलियर है और देश के अंदर महंगाई है, भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पे है और लोगों के पास धंधा नहीं रहा, व्यापारी भी मतलब बहुत परेशान है। महंगाई आपके लिए या जनता के लिए? अगर महंगाई जनता के लिए है तो भाजपा बार बार कैसे आ जाती है सत्ता में? महंगाई है जनता में, आप जाके सर्वे करा लीजिए और जनता आपकी बार बीजेपी को वोट नहीं देगी। सर जब भी चुनाव आते हैं तो ईवीएम को मुद्दा बना लिया जाता है। अगर भाजपा बेईमानी करेगी जो आपके सामने करी है, हमसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हो मैडम, अभी क्या हुआ चंडीगढ़ में, 8 वोट कैंसिल कर दी, देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई, क्वेश्चन तो खुद बीजेपी उठवाती है। तो हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हरियाणा में मुख्यमंत्री, हरियाणा में लोग जीतेंगे और विधायक दल फैसला करेगा और कांग्रेस हाईकमान करेगा, जो भी बनेगा सर्वसम्मति से बनेगा। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद थे, इनसे बातचीत की है और आखिर 2024 में हरियाणा के अंदर किसकी सरकार होगी ये देखने वाली बात है और आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि 2024 में किसकी सरकार होगी। तो इसी के साथ वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए।